भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा पहला वनडे मुकाबला बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि टीम इंडिया आज भले ही टॉस हारी है, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत गेंदबाजी में बेहद शानदार रही है। दरअसल आपको बता दें कि शुरुआती 10 ओवरों में लंबे समय बाद भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी ने धमाकेदार अंदाज में आगाज किया। बता दें आपको कि दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही और पहले विकेट के रूप में जानेमन मलान का विकेट यहां पर जसप्रीत बुमराह को मिला। आपको बता दें कि पांचवें ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मलान पीछे विकेटकीपर पंत को कैच दे बैठे। 10 गेंदों में 6 रन मलान ने बनाए। हालांकि टेम्बा बबूमा जो कि कप्तान है, उनकी और डिकॉक की जोड़ी फिलहाल क्रीज पर डटी हुई है। गेंदबाजी की बात की जाए पावर प्ले के अंदर, तो बुमराह 4 ओवर 13 रन 1 विकेट, भुवनेश्वर कुमार 5 ओवर 17 रन कोई सफलता नहीं, शार्दुल ठाकुर 1 ओवर 4 रन कोई सफलता नहीं। लेकिन आज भारत के पास मौका है, भारत के पास 6 बोलिंग ऑप्शंस हैं और भारतीय टीम जबरदस्त तरीके से यहां पर प्रदर्शन करती हुई भी नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि क्विंटन डिकॉक और बबूमा की एक एक्सपीरियंस जोड़ी पर बहुत सारा दारोमदार भी यहां पर देखने को मिलने वाला है। खास बात यह है कि यहां पर भुवनेश्वर कुमार ने जबरदस्त अंदाज से गेंदबाजी की है और बताया है कि किस अंदाज से यहां पर उन्हें एक बड़े खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी दर्शाया है कि क्यों वो भारतीय टीम की एक बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में सालों से चलते आ रहे हैं। लाइन एंड लेंथ यहाँ पर भुवनेश्वर की एक पहचान रही है। जसप्रीत बुमराह जबरदस्त प्रदर्शन करते आ रहे हैं, जैसा कि टेस्ट सीरीज का उनका फॉर्म था उस फॉर्म को उन्होंने कंटिन्यू किया है। वेंकटेश अय्यर को भी देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन 10 ओवरों में महज 40 रन दक्षिण अफ्रीका को उसी के घर पर रोक रहे, क्योंकि पाल के इस मैदान पर जबरदस्त बैटिंग कंडीशंस हैं। अगर आप सही तरीके से बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो यहाँ पर स्कोर भी चेस डाउन हो सकता है। तो कुल मिलाकर एक जबरदस्त मुकाबला। अब ये देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरीके से इस मुकाबले में अप्रोच करती है। विराट कोहली सीनियर खिलाड़ी यहाँ पर केएल राहुल का मनोबल बढ़ा रहे हैं, वहीं केएल राहुल भी साफ तौर पर टीम को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।